चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन 170 से आगे 171 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बियरिंग कार्य कर सकता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि उच्च तापमान और उच्च भार पर किस मटेरियल की बनी बियरिंग उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन में देखिएगा, पहला दिया हुआ है कास्ट आयरन, दूसरा है व्हाइट मेटल, तीसरा है कॉपर सीसा मिश्र धातु, चौथा ऑप्शन कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो उच्च तापमान के लिए कैडमियम आधारित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिएगा 172 नंबर क्वेश्चन। देखिए 172 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस धातु की कोडिंग की क्या विधि है जो फिगर में दिखाया गया है। फिगर में ये देखिए, ये वर्क है आपका, वर्क मतलब अर्थात ये जॉब है, इस जॉब पर जो है कोडिंग का काम करना है। एक तरफ एनोड लगी हुई है, दूसरी तरफ कैथोड लगी हुई है। ये होता क्या है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि बीच में जाप को रख देते हैं, एक साइड में एनोड दूसरे साइड में कैथोड लगाते हैं, इसमें धारा को प्रवाहित करते हैं। इससे जो भी इस पे लगा होता है, एक साइड से दूसरे साइड ऐसे इसके कण जाते हैं और ये बीच में आने के नाते इस पर प्लेटिंग हो जाती है, तो इसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, अगला देखिए, अगला देखिएगा 173 नंबर क्वेश्चन, लंबे समय तक जंग से बचाने के लिए या जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग करते हैं। लंबे समय अर्थात बहुत समय तक जो है उसपे प्लेटिंग चढ़ी रहे, उतरे ना, वह कौन सी धातु है, तो वह होती है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रोमियम। अगला देखिए, अगला देखिएगा दिया हुआ है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। ये जो कोटिंग होती है उसमें जब कभी बहुत ज्यादा मोटी परत चढ़ा दी जाती है तो उसमें दरार उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी कौन सी धातु है यदि उसका लेप चढ़ा जाए तो दरार भी ना उत्पन्न हो और संक्षारण प्रतिरोधी रहे, इसका मतलब जंग लगने से बचाए। ऑप्शन ए दिया हुआ है जस्ता, ऑप्शन नंबर बी निकल है, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिंक या जस्ता जिसे कहते हैं। ठीक, अगला देखिए 175 नंबर क्वेश्चन, 175 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संक्षारण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लेड, पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा देखिएगा दूसरा तांबा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक, अगला देखिएगा, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है। जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग होती है वो किस लिए लगाई जाती है, अच्छे लोड के लिए लगाई जाती है या फिर रेडियल के लिए, या अच्छे थ्रस्ट लोड या वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो किस लिए लगाई जाती है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्टिकल थ्रस्ट लोड। अगला देखिए 177 नंबर क्वेश्चन, इस बियरिंग का क्या नाम है जो फिगर में दिख रही है, इस बियरिंग का नाम बताना है।
पहला दिया हुआ है निडल बियरिंग, दूसरा है थ्रस्ट बाल बियरिंग, तीसरा है टेपर रोलर बियरिंग, चौथा है एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बाल बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निडल बियरिंग, निडल बियरिंग। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, पिस्टन अर्थात किसी भी गाड़ी का यदि पिस्टन लिया जाए तो उसमें इस प्रकार से कनेक्टिंग रॉड होता है, ये यहां से घूमता है तो ये यहां पर भी घूमने के लिए बियरिंग लगी होती है। इसी बियरिंग के बारे में पूछा गया है, ये कौन सी बियरिंग लगी होती है। एक बार ये घूमता हुआ ऐसे जाता है, फिर यहां से घूमता हुआ ऐसे आता है, यही बीच में जहां पर बियरिंग लगी होती है, इसी बियरिंग के बारे में पूछा गया कौन सी बियरिंग लगी होती है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स में कौन सी बियरिंग लगी होती है। दोनों में एक ही बियरिंग उपयोग में लाई जाती है। पहला दिया हुआ व्हाइट मेटल मटेरियल की बनी हुई बियरिंग, दूसरा है सिंटर्स एलॉय की बनी हुई बियरिंग, तीसरा है एल्यूमिनियम मिश्र धातु की बनी हुई बियरिंग, चौथा है कॉपर लीड मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉपर लीड मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉपर लीड मिश्र धातु। अगला देखिए, अगला 179 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला 179 नंबर क्वेश्चन है रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित के संचालन क्या है। अर्थात जो रक्षात्मक सतह है, मतलब सुरक्षित सतह प्राप्त करने के लिए हमें यदि हम किसी धातु का लेप चढ़ाते हैं उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्लैडिंग, दूसरा है गैल्वेनाइजिंग, तीसरा है सीमेंटेशन, चौथा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला देखिए, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग करते हैं। कैलोराइजिंग प्रक्रिया में बताना है, पहला है जिंक पाउडर, दूसरा है निकेल पाउडर, तीसरा है क्रोमियम पाउडर, चौथा है एल्यूमिनियम पाउडर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला दिया हुआ है जंग रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत तापमान कितना रखना होता है, ये बताना है। 900 से 1100, 1000 से 1100, 1100 से 1200, 1300 से 1400। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1300 से 1400। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1300 से चलेंगे। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध का ये मतलब है जो विरोध करता हो, जैसे जो जल्दी जिसकी भी जो भी लेप चढ़ाया जाए वो जल्दी ना उतरे, उसका विरोध करता हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकिल। अगला देखिएगा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। फिगर इस साइड बना हुआ है, यही जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इस भाग का नाम बताना है। ये जो बना हुआ है इस भाग का क्या नाम है, ये सब रोलर लगे हुए हैं, रोलर के बगल में बीच में छोटे छोटे लगे हुए इस भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ बाल केस, ऑप्शन नंबर बी इनर रेस, ऑप्शन नंबर सी आउटर रेस, ऑप्शन नंबर डी बाल सेपरेटिंग गेज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल सेपरेटिंग गेज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाल सेपरेटिंग गेज। अगला देखिए, 184 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
इसमें दिया हुआ है लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बीयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। लाइट लोडिंग का मतलब हल्के कार्य, हल्के लोडिंग के लिए और कम गति के लिए किस प्रकार की बियरिंग अर्थात किस पदार्थ की बियरिंग बनी होती है जिसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कास्ट आयरन की, तो हल्के कार के लिए कास्ट आयरन की बियरिंग उपयोग में लाई जाती है। अगला देखिए थ्रस्ट बाल बियरिंग, अगला दिया हुआ है थ्रस्ट बाल बियरिंग का नुकसान क्या है। पहला दिया हुआ कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, दूसरा क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर सी दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर डी किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकते। तो जो थ्रस्ट बाल बियरिंग है वो ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल लोड के लिए जानी जाती है, वर्टिकल लोड के लिए उपयोग में लाई जाती है, वर्टिकल लोड, तो ये क्षैतिज लोड नहीं लेती, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकती अर्थात क्षैतिज लोड नहीं लेती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षैतिज लोड नहीं लेती है। अगला देखिए, अगला है बाल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बाल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। बाल बियरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बाल रेसेस प्रदान किए जाते हैं। पहला दिया हुआ है झटके को सहने के लिए, दूसरा है अच्छे थ्रस्ट को सहने के लिए, तीसरा रेडियल लोड को सहने के लिए, चौथा दिया है जनरल लोड उठाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अच्छे थ्रस्ट को सहने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अच्छे लोड को सहने के लिए। अगला देखिए किस बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के पैरेलल या समांतर होती है। लोडिंग बियरिंग अर्थात जो इसका ये थ्रस्ट होता है, किसी भी बियरिंग का जो थ्रस्ट बना होता है वो जो थ्रस्ट होता है दिया हुआ है पैरेलल हो, समांतर हो, तो कौन सी बियरिंग होगी। पहला है स्प्लिट बियरिंग, दूसरा है प्लेन बियरिंग, तीसरा है थ्रस्ट बियरिंग, चौथा है रेडियल बियरिंग, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थ्रस्ट बियरिंग, क्योंकि थ्रस्ट बियरिंग अच्छे लोड लेती है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लोड लेती है जिसके कारण वह जो है समांतर बनाई जाती है। अगला देखिए अगला है हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। पहला दिया हुआ है सिंटर मिश्र धातु, दूसरा एल्यूमिनियम मिश्र धातु, तीसरा तांबा सीसा मिश्र धातु, चौथा कैडमियम मिश्र धातु, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैडमियम आधारित मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैडमियम आधारित मिश्र धातु। अगला देखिएगा किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सहकुशल है। किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री का लागत कम होता है अर्थात जिसकी लागत भी कम हो और घर्षण और उच्च सामग्री इसमें उपयोग में न लाई जाती हो। पहला दिया हुआ है नायलान, दूसरा टेफलान, तीसरा थ्रस्ट बाल बियरिंग, चौथा ये तो मटेरियल है ही नहीं, वैसे ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टेफलान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टेफलान। अगला देखिए 190 नंबर क्वेश्चन, उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड या हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करते हैं। अक्षीय लोड लेना है, इसमें कौन सी बियरिंग उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है टेपर्ड रोलर बियरिंग, सेल्फ एलाइन रोलर बियरिंग, एंगुलर कॉन्टेक्ट बाल बियरिंग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टेपर्ड रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा टेपर्ड रोलर बियरिंग।